बालू मिले पे कटी बात कहले सुरिया बालू मिले के भर के जेठा रोले उत्तर दिया है राधा ने उधव, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान हो, लेकिन हमने उन्हें हमेशा अपना पति माना है और पति समझ करके उनकी पूजा की है। ये सब तो कह करके राधा घुटनों पे सर रख के बैठ गई और रोना शुरू हो गई। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, माफ करना राधा, आज तक तो हम ये समझते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई सादा लड़की नहीं राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिन हो। अगर इतना बड़ा लगाव है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो अवश्य आएंगे श्याम सुंदर। अब लड़कियों को समझा करके उद्धव चले हैं वहां, और जब उद्धव चले हैं तो लड़कियां सब व्याकुल हो गई, दुखी हो गई। तो उद्धव पूछने लगे, अब काय को परेशान, अरे अपने पास से जब किसी को विदा किया जाता है तो रोके नहीं बल्कि हंस के किया जाता, अब क्यों दुखी हो, भेजेंगे भगवान को। तो राधा ने उत्तर दिया है, उद्धव वो बात थोड़ी, बात तो इस बात की है, अभी तक तो हम लोग इस सांस में जिंदा थे कि श्याम सुंदर आए, अब वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया तो आसमान में लगी थी वो भी टूटी गई, अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली, उद्धव सुनो, तुम तो चले जाओगे लेकिन तुम्हारे जाने के बाद के तारे गिन गिन के बाहर की जगह डाल लेंगे। Yeah.
रहे।